नमस्कार दोस्तों, ये सभी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस एग्जाम, एसएससी एग्जाम, सीजीएल एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम और अन्य सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? ए सिगरेट उद्योग, बी नाई की दुकान, सी वेल्डिंग की दुकान, डी गेहूँ पैदा करने वाले किसान। सही उत्तर ए सिगरेट उद्योग। प्रश्न नंबर दो, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? ए IRDA, बी सेबी, सी RBI, डी DRY। सही उत्तर बी सेबी। प्रश्न नंबर तीन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1921, बी 1930, सी 1935, डी 1955। सही उत्तर ए 1921। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? ए कानून बनाना, बी बजट बनाना, सी बजट पारित करना, डी कार्यपालिका पर नियंत्रण। सही उत्तर बी बजट बनाना। प्रश्न पाँच, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ए 15 सितंबर, बी 13 सितंबर, सी 14 सितंबर, डी 12 सितंबर। सही उत्तर ए 15 सितंबर। प्रश्न 6, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी कोई नहीं। सही उत्तर बी उड़ीसा। प्रश्न 7, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भाषा संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। सही उत्तर बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 8, हाल ही में उबैदुल हसन को किस देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ए ईरान, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। सही उत्तर डी बांग्लादेश। प्रश्न 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4,00,000 रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी हरियाणा, डी सभी। सही उत्तर बी कर्नाटक। प्रश्न 10, हाल ही में रियो कपाड़िया का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए लेखक, बी गायक, सी अभिनेता, डी कोई नहीं। सही उत्तर सी अभिनेता। प्रश्न 11, हाल ही में प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए विराट कोहली, बी ऋतिक रोशन, सी अक्षय कुमार, डी ऋतिक रोशन। सही उत्तर बी ऋतिक रोशन। प्रश्न 12, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल में मंडली बुद्ध प्रसाद को गाड़ी चेरला पुरस्कार प्रदान किया है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी कोई नहीं। सही उत्तर बी आंध्र प्रदेश। प्रश्न 13, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री गृह आधार योजना शुरू की है? ए असम, बी गोवा, सी केरल, डी सभी। सही उत्तर बी गोवा। प्रश्न 14, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? ए सिंधु गंगाधर, बी रजनीश कुमार, सी नीरज मित्तल, डी कोई नहीं। सही उत्तर बी रजनीश कुमार। प्रश्न 15, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेश करने का निर्णय लिया है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी कोई नहीं। सही उत्तर सी हरियाणा। प्रश्न 16, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हुआ है? ए फ्रांस, बी मोल्दोव, सी सिंगापुर, डी कोई नहीं। सही उत्तर बी मोल्दोव। प्रश्न 17, हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए जयपुर, बी भोपाल, सी वाराणसी, डी कोई नहीं। सही उत्तर सी वाराणसी। प्रश्न 18, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ समझौता किया है? ए पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी कोई नहीं। सही उत्तर बी पश्चिम बंगाल। प्रश्न 19, हाल ही में OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी कोई नहीं। सही उत्तर ए भारत। प्रश्न 20,
हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ए 12 सितंबर, बी 13 सितंबर, सी 14 सितंबर, डी 11 सितंबर। सही उत्तर सी 14 सितंबर। प्रश्न 21। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी कोई नहीं। सही उत्तर बी हरियाणा। प्रश्न 22। हाल ही में चीन ने झाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजपूत नियुक्त किया है? ए अफगानिस्तान, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी बांग्लादेश। सही उत्तर ए अफगानिस्तान। प्रश्न 23। हाल ही में किस राज्य में मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया है? ए कर्नाटक, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी कोई नहीं। सही उत्तर सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 24। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं? ए IIT दिल्ली, बी IIT कानपुर, सी IIT गुवाहाटी, डी IIT मद्रास। सही उत्तर सी IIT गुवाहाटी। प्रश्न 25। हाल ही में भारत में किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है? ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी चीन, डी कोई नहीं। सही उत्तर सी चीन। प्रश्न 26। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम, डी हरियाणा। सही उत्तर सी असम। प्रश्न 27। हाल ही में मदन लाल रेगर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? ए इंडोनेशिया, बी बांग्लादेश, सी कांगो गणराज्य, डी कोई नहीं। सही उत्तर सी कांगो गणराज्य। प्रश्न 28। हाल ही में इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? ए लाल किला, बी झांसी का किला, सी सिंधुदुर्ग किला, डी सभी। सही उत्तर सी सिंधुदुर्ग किला। प्रश्न 29। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी कोई नहीं। सही उत्तर बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न 30। हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी निर्मला सीतारमण, डी कोई नहीं। सही उत्तर बी धर्मेंद्र प्रधान। प्रश्न 31। हाल ही में किसने SECI के निर्देशक का पदभार संभाला है? ए जोशीत रंजन, बी KN राघवन, सी उपर्युक्त दोनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर ए जोशीत रंजन। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर एग्जाम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।